हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल्स में। वैसे तो गर्ल्स हॉस्टल्स में बॉयज़ अलाउड नहीं है, तो हमारी एक मित्र है वो हमारे लिए वीडियो बनाने जा रही है। थोड़ी गलती अगर सकती है तो माफ़ कर देना, बाकी चलते हैं वीडियो में। ये है पीछे गर्ल्स हॉस्टल, अभी चलते हैं अंदर। एंट्रेंस से लेके छत तक, मतलब लास्ट में ना इतना गजब व्यू हमारे यहाँ से कि बस देख के दिल खुश हो जाएगा, पूरा कॉलेज दिखता है वहाँ से। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। हेलो एवरीवन, अब हम लोग आ गए हैं हॉस्टल के सामने, तो अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो यार, हमारी हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो बहुत सिमिलर है बॉयज़ की बिल्डिंग के, लेकिन हम लोगों की बिल्डिंग उसके जस्ट डबल है। मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। यहाँ पे बाहर गार्ड रूम है जहाँ 24/7 हमारी गार्ड आंटियाँ होती हैं, अभी भी हैं, तो हमेशा ही रहती है यहाँ पे। हमारे जितने भी पार्सल वगैरह सब कुछ है वो सब कलेक्ट कर लेती है अगर हम क्लासेस में। तो यार, ये एंट्रेंस है, इस साइड आपको दिख रहा हो तो ये ब्लॉक 2 है और इस साइड हमारा ब्लॉक 1 है। तो मैं ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ किस तरह से। यार, अंदर एंटर करते ही सबसे पहले लेफ्ट में हम लोगों का एक्टिविटी रूम आता है और राइट में कॉरिडोर है। पहले हम लोग एक्टिविटी रूम देखते हैं। तो एक्टिविटी रूम के टाइमिंग्स है कुछ 7 to 12 मॉर्निंग में और 3 to 9 इवनिंग में होता है। अभी ये बंद ही है, लेकिन अभी मैं इशू नहीं कर सकती कोई इक्विपमेंट्स, लेकिन आपको बता देती हूँ एक्टिविटी रूम में है क्या क्या। एक्टिविटी रूम में पूल टेबल है, टेबल टेनिस है, कैरम है और हमारी जिम मशीन्स है, जैसे कि ट्रेडमिल, साइकिल और एक और यहाँ पे ट्रेडमिल है। तो यहाँ इस मीरा में बेसिकली सारे जिम इक्विपमेंट्स होते हैं और जितने भी हमारी नेसेसिटीज़ है टेबल टेनिस के लिए, बॉल और सब कुछ पूल के लिए, वो सब इस मीरा में रखी होती है। हमारी एक अटेंडेंट बैठती है यहाँ पे, जो बेसिकली सारी चीज़ें चेक रखती है कि कौन क्या इशू कर रहा है। तो यार, एक्टिविटी रूम से आगे चलते हैं हम लोग। यार, इस कॉरिडोर में यहाँ इधर एक लिफ्ट है जो ब्लॉक 1 की तरफ है, उस साइड ब्लॉक 2 की तरफ लिफ्ट है। तो यहाँ पे हमारे वार्डन ऑफिसेज हैं, रीडिंग रूम है और अलर है और पैंट्री है। ये रीडिंग रूम है, यहाँ पे बेसिकली मिनी लाइब्रेरी बनाया हुआ है। यहाँ पे सभी टेबल्स और चेयर्स लगाए हुए हैं ताकि हम लोग कभी कभार रूममेट्स पढ़ाई करने नहीं देते और आपको एक्चुअली पढ़ना है एग्जाम्स के टाइम पे, तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। यहाँ बुक्स नहीं है लेकिन टेबल चेयर्स हैं, एसीज लगे हुए हैं और विंटर्स में तो एसीज नहीं चलते हैं ऑफकोर्स, लेकिन ब्लोअर्स की तरह एसीज वर्क करते हैं, तो वार्म रहता है ये रूम काफ़ी। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा वार्डन्स ऑफिस है, यहाँ पे हमारी पैंट्री है, अभी बंद है इस टाइम पैंट्री। बेसिकली पैंट्री में इंडक्शंस लगे हुए हैं, हम लोगों को कुछ छोटा मोटा कुकिंग करनी है तो वी कैन कम हेयर और हम लोग खाना बना सकते हैं अपने लिए। तो अब यार रूम्स देखते हैं हम लोग ऊपर चल के। कुछ नहीं, हाय बोल दे। तो हम लोग आ गए हैं 3rd floor पे और रूम्स देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये हमारे रूम्स हैं, हर रूम में 3 लोगों के लिए ऐसे अकोमोडेशन है, 3 बेड्स हैं ऐसी, 3 टेबल्स हैं और यहाँ पे एसीज भी हैं, तो रूम काफ़ी सही रहते हैं विंटर्स के टाइम, समर्स के टाइम पे, और विंटर्स के टाइम पे ब्लोअर की तरह वर्क करते हैं। बाहर ऐसे विंडोज से पूरा ऐसे दिखता है व्यू अच्छा खासा, लेकिन यार इससे अच्छा व्यू देखना है तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। बाकी आगे चलते हैं, वॉशरूम्स देखते हैं हम लोग कैसे हमारे। तो यार, इससे पहले वॉशरूम्स में जाएँ, मैं इधर वापस से स्ट्रक्चर बता देती हूँ किस तरह से हॉस्टल का। जैसे कि आपको सामने दिखा होगा वो सही ब्लॉक 2 है, तो ब्लॉक 2 के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सब ब्लॉक 1 के लिए अवेलेबल है, सब कॉमन फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 1 में 1 to 10 रूम्स हो गए और ब्लॉक 2 में 11 to 21 हो गए। काफ़ी वेंटिलेटेड बिल्डिंग है, पूरी जगह से काफ़ी अच्छे तरह से फैसिलिटीज़ दी हुई है, काफ़ी स्पेशियस भी है। तो यार, वॉशरूम्स देखते हैं हम लोग कैसे है। ये इमरजेंसी स्टेयर केसेस है, वॉशरूम्स है सिमिलर इन जैसे बॉयज़ हॉस्टल में वॉशरूम्स देखे होंगे आपने, इस साइड वॉशरूम है, यहाँ पे टॉयलेट्स है, फिर सिंक लगे हुए हैं, काफ़ी मतलब बढ़िया बनाया हुआ है। वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन रहते हैं और रेगुलरली हर दिन आके सफाई भी होती है वॉशरूम की। यहाँ पे तो हैंगर दिए हुए हैं जैसे हम लोग कोई भी क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं अपने तो सुखाने के लिए, और ये जिस तरह इस साइड 2 हैंगर है उसी साइड सिमिलरली ब्लॉक 2 के लिए। तो यार, यहाँ से अब हम लोग चलते हैं 7th floor पर। 7th floor पे हमारे बालकनीज है और सिमिलर बालकनी 11th floor पर भी है, जैसे सुबह सुबह योगा करना हो या समथिंग, काफ़ी अच्छा व्यू भी है वहाँ से और बहुत बड़ी सी वैसे बालकनी दी हुई है। बॉयज़ हॉस्टल की बालकनीज बंद रहती है लेकिन हम लोगों के लिए वो नहीं है, हम लोगों की बालकनीज ओपन ही रहती है, बस
हमारे से उल्टे सीधे काम नहीं है कि हम बालकनी बंद कर दें, तो 7th फ्लोर पे चलते हैं हम लोग। 7th फ्लोर। जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक 2 वहाँ पर है, ब्लॉक 1 ये हो गया, उस साइड ब्लॉक 2 की साइड भी एक बालकनी है और ब्लॉक 1 के साइड भी है। हम लोग ब्लॉक 2 की बालकनी में चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। ब्लॉक 2 की बालकनी से हम लोग बाहर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है पीछे की साइड होस्टल के। यहाँ पे लोग ऐसे हम लोग कपड़े सुखाने होते हैं तो हम लोग इधर भी आके बालकनी में भी कपड़े सुखा लेते हैं। बट कितना ब्यूटीफुल व्यू है इस बालकनी से, काफ़ी ऊपर है ये, लेकिन इससे भी अच्छा व्यू आपका वेट कर रहा है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वो भी। तो आप देखो, ये वाली रोड है जहाँ से हम लोग आते हैं मेन एंट्रेंस से राइट मुड़ के होस्टल की तरफ। ये होस्टल का गेट है मेन गेट, और काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से होस्टल का। यहाँ से मतलब दूर तक काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। हम जो ये वाली बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आपको, ये वाली, ये हमारे पुराने हॉस्टल्स थे टाइप 3 वाले। अब तो नहीं है ये हमारे हॉस्टल्स, हम लोगों को सभी गर्ल्स को एक साथ शिफ्ट कर दिया था जब 2022 में ये हॉस्टल्स बने, जैसे बॉयज़ के जब बने अभी हमारे भी बने, तो हम लोगों को कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट करा है। सबसे अच्छी बात इन हॉस्टल्स की है काफ़ी बड़े हैं, स्पेशियस है, सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। आप लोगों को लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन्स भी अवेलेबल है बेसमेंट में, वो हम लोग अभी चल के देखते हैं, फिर उसके बाद आपको व्यू दिखाएंगे। ओके, 11th फ्लोर से जो व्यू है ना हमारे कॉलेज का, वो मतलब गर्ल्स हॉस्टल से बेस्ट कहीं से नहीं दिखेगा उतना अच्छा व्यू। क्लॉक टावर पर चले जाओगे उससे भी इतना अच्छा व्यू नहीं होगा जितना 11th फ्लोर से है गर्ल्स हॉस्टल की। जब हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं मशीन्स का। एक्चुअली यहाँ पूरी बिल्डिंग के लिए अभी 4 मशीन्स ही इंस्टॉल हुई है, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक है और हम लोग ऐसे पूरा कभी भी आके कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ 4 मशीन लगी हुई है, हमारी एक अटेंडेंट मैम रहती है यहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए। इस तरह से एंट्री करते हैं हम लोग पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग कर सकते हैं अपने कपड़ों के। अब चलते हैं हम लोग 11th फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ से आपको बहुत प्यारा सा व्यू दिखाते हैं पूरे कॉलेज का। और फिर जैसे कि मैं भी हॉस्टल में रह रही हूँ तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से, मैंने क्यों हॉस्टल लिया, क्यों डिसाइड किया। मैं दिल्ली से ही हूँ लेकिन तब भी मैंने हॉस्टल में रहना डिसाइड किया, रीज़न था, वजह थी, सब कुछ सब जाके ऊपर बात करते हैं। चलिए, यार इससे पहले हम लोग 11th फ्लोर पर जाएँ, मैं आप लोगों को किससे मिलवाना चाहती हूँ। हमारी बड़ी प्यारी सी दीदी हैं, वो MSc कर रही हैं केमिस्ट्री में, वो 9th फ्लोर पर रहती है, तो उनसे मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को, उनसे पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है हॉस्टल को लेके और क्या फील करती हैं वो वैसे हॉस्टल में, इतना बढ़िया हो गया अब तो सब कुछ। चलिए, हेलो दीदी, कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दीदी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सभी को बताओ आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को, पहले तो ये बताओ नए हॉस्टल में आके। जन्नत। नहीं, बहुत सही है सच में, पुराने वाले हॉस्टल से बहुत बेटर है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है हमारा। और तुम्हारे अटेंडेंस हर वक्त रात के 12-1 बजे भी तुम्हारे लिए अवेलेबल होते हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी कभी भी। ऐसा होता है ना कि अगर हमें बीमार हो जाए, सिक्योरिटी काफी अच्छी है, इवन वार्डन्स भी सब लोग प्रॉपरली ड्यूटी देते हैं, सब लोग ध्यान रखते हैं स्टाफ सब बच्चों का अच्छे से। और सबसे मेन बात हमारी डेली अटेंडेंस होगी रात के हर फ्लोर पे एक PhD स्कॉलर है जो बेसिकली सुपरवाइज करता है सभी बच्चों को फ्लोर पे। हॉस्टल में सारे जो फ्लोर है वो डिवाइड किए गए हैं, जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, देन फिर मास्टर्स वाले आते हैं, वो डोमिनेटिंग फ्लोर है और सबसे साइलेंट फ्लोर है पूरे हॉस्टल का। सब देख लिया एंड बेसमेंट भी है, तो बेसिकली 12th फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर में मिलाती है और नीचे बेसमेंट में तुम कपड़े धो सकते हो ना, ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा, जो नीचे वार्डन्स है, अटेंडेंस है, उन लोगों के बारे में लाइक किस तरह से एक्चुअली हेल्पफुल होते हैं, यानी क्या है उनका बिहेवियर, अच्छा उनके नंबर्स प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आपको कभी भी जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, तो आपको जब भी दिक्कत हो तो तुरंत कॉल करके उनको बोल सकते हो। और दीदी एनवायरनमेंट कैसा है हॉस्टल का, मतलब एक्चुअली सब लोग अच्छे सारे अच्छे हैं और ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं होता है, करते हैं सब लोग लड़के अपने, मतलब ऐसा तो नहीं है ना बुली बुली रागिंग भाई, ऐसे रूम्स के अंदर इतना कोई शोर वोर नहीं आता, इवन लाइक एग्जाम टाइम्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, इवन अपने रूम से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी जाके पढ़ा जाए, बाकी नीचे रीडिंग रूम भी दिया हुआ है, बिल्कुल
तो काफी बढ़िया है, काफी बेटर है। और कंप्लेन हो आपको किसी पर्टिकुलर चीज से? कंप्लेन ऐसे सच नहीं है, बट कभी कभी ना लाइट चली जाती है तो पूरा लाइक लिफ्ट बंद हो जाती है, और अगर तुम 8th या 9th फ्लोर से नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना, इट्स लाइक अ सीरीज सिस्टम। अगर एक फ्लोर पे एक चीज खराब हो रही है, सारे फ्लोर पे सेम चीज हो रही है। यहाँ पे इसी बिल्डिंग के नीचे मेस नहीं है, तो आपको मेस के लिए आपको सामने वाली बिल्डिंग में हर टाइम जब आपका फुल टाइम होगा आपको जाना पड़ेगा। एक ये खाना खाने जाएंगे और साथ में ठंडी हवा भी खाएंगे। Yeah, right. और बाकी पानी कभी कभी पानी वैसे बहुत अच्छा आता है, लेकिन गर्मी आते हैं दो टाइम पानी आता है सुबह और शाम में, थोड़े बहुत इश्यूज होंगे भी। सही बात है, ऑपरेट करने में बहुत सारे करने के लिए हॉस्टल में आए, एक दूसरे से सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए। सही बात है, सही है दीदी, काफी बढ़िया मजा आ रहा है, मतलब हॉस्टल में फन हो रहा है। घर भी जाने का मन नहीं कर रहा। दीदी तो पूरी छुट्टी करनी है आपने, दीदी न्यू ईयर भी यही बनाया दीदी ने। तो यार अलग एक्सपीरियंस है हॉस्टल का भी, काफी इंजॉयबल है। हॉस्टल की बिल्डिंग बिल्कुल कैंपस के बीचों बीच बनी हुई है, तो आपको हर जगह साइड से सारा व्यू दिखेगा। सारे 11th फ्लोर का वेट कर लो, वीडियो में दिखा रहे अभी व्यू। तुम जितने ऊपर फ्लोर पे हो तुम्हें उतना ही अच्छा व्यू दिखता है, बहुत अच्छा, लाइक इधर की काफी पीसफुल भी। हमारा हॉस्टल सबसे डिफरेंट है, तो काफी पीसफुल है। अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हो, हाइट पे रह रहे हो, तो ऐसा हाइट का कोई इशू नहीं है आपको। अगर जैसे गर्मियों में आपको एसी मिल रहा है तो अच्छे से, ऐसा नहीं है आपको ज्यादा गर्मी फील होगी। और ऐसे रूम्स में भी काफी अच्छा वेंटिलेशन है, विंडोज काफी बड़ी बड़ी है, अलमीरास एंड लाइक फर्नीचर कम्प्लीटली फुली फर्निश्ड है। सनसेट भी तो बहुत प्यारा है। हाँ, सनसेट, अरे हमारे 11th फ्लोर का सनसेट नहीं देखा तो उससे क्या ही देखा फिर तो। बहुत अच्छा लगता है, और इवन ये पूरा सब कुछ फर्निस होने के साथ साथ इसमें लाइट्स भी है प्रॉपर स्टडी के लिए, तो तुम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सबकी स्टडी टेबल के ऊपर जस्ट लाइट्स है, तो किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता आज सच। सही है, चलो अच्छी बात है, मतलब मजा आ रहा है, फुल हॉस्टल में लेना चाहिए, हॉस्टल डिजर्विंग है ऑफ कोर्स। क्या फायदे होते हैं हॉस्टल लेने से? क्या लिया, सही बात है। सबसे पहले ये है, पहली बात ना थोड़ा बाहर का एरिया सेफ नहीं होता, तो तुम उससे बच जाओ, तुम्हारे हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो तुम्हें ऐसे दिक्कत आती है, तुम्हें घर वाली होमली फीलिंग ही आती है की कोई है तुम्हारा ध्यान रखे। सही बात है, ऊपर से गार्ड्स है बाहर, तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं, क्योंकि परिंदा भी परमार जाएगा। हॉस्टल इसलिए लेना चाहिए क्योंकि डीजो के बाहर का एरिया ऐसा अच्छा नहीं है। सही बात है, जेन्युइन बात है। हॉस्टल में नहीं तो फीस के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? Fees are a bit higher. I will not say that much affordable. लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट या फिर उस फीस के अंदर मशीन मिल रही है, एक्टिविटी रूम मिल रहा है, रीडिंग रूम मिल रहा है, इतना फर्नीचर पूरा, अभी तो नए नए बने हैं तो फर्नीचर इतना पूरा वेल फर्निश्ड, अच्छे सही है सब कुछ, बेड भी अभी कुछ ऐसे यूज अनटच्ड है, सब कुछ अनटच्ड है, तो काफी सही है। अभी तो डिजर्विंग है 36,000, वो कुछ टाइम बाद देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आ गए अब 11th फ्लोर पर, 11th फ्लोर क्योंकि 7th फ्लोर जैसे सिमिलर बालकनीज है, यहाँ पे PhD वाले स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन हो रखी है सबसे टॉप फ्लोर पे, तो मोस्टली ये फ्लोर शांति रहता है ऑफकोर्स। सब लोग रेडी हो जाओ प्यारा सा व्यू देखने के लिए, तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेट्स सी। ये देखिए गाइस कितना सुंदर है, यहाँ से पूरा कॉलेज दिखता है हमारा, लेजिट पूरा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको OAT दिख रहा होगा, पीछे की साइड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, फिर ये सामने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उधर सिविल डिपार्टमेंट है, फिर IT, और ये वाली बिल्डिंग्स भी नई बनी हैं जो ये दिख रही हैं, जहाँ पे ब्रिज है इसके जस्ट पीछे नया बॉयज़ हॉस्टल है, जिसका आप ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे बने हुए। अभी तो मॉर्निंग में जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल नाइट में दिखता है, जब से पूरी लाइट्स जल जाती है पूरा कॉलेज बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो यार हॉस्टल लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा घर ऐसे 40 किलोमीटर्स अराउंड दूर है, मैं दिल्ली में हूँ फिर भी मुझे हॉस्टल्स मिल गया लाइक, तो मैंने अप्लाई किया हॉस्टल्स के लिए और हमें हॉस्टल्स मिल गए, तो उस टाइम Type 3 हॉस्टल्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब कंडीशंस उनकी बड़ी ख़राब थी, मतलब ये था कि जस्ट रह रहे थे वहाँ पे हम लोग, जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है इस वाले हॉस्टल में वहाँ उतनी थी नहीं, जैसे यहाँ एक्टिविटी रूम हो गया, पार्लर हो गया और पैंट्री हो गई, सब कुछ है तो उतनी, और यहाँ पे नीचे भी हॉस्टल के लाइक विद इन द बाउंड्री इतनी सारी स्पेस है, हम लोग जा सकते हैं कभी भी बैठ सकते हैं वहाँ जाके। ऑल्सो वंस यू स्टार्ट लिविंग तो आदत हो जाती है, यू ट्राई टू एडजस्ट विद ईच अदर, उसके बाद सब कुछ ऐसे हो जाता है, अच्छे से एडजस्ट कर लेते हो। मेरा हॉस्टल लेने का एक्सपीरियंस ऐसा है कि पहले शुरू के कुछ हफ्ते बड़ा डिप्रेस लगा कि यार घर होम सिकनेस, घर से दूर चले गए, ये वो वगैरह,
लेकिन वंस आई स्टार्टेड लिविंग सब लोगों से बातचीत हुई, एक सोशल ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरा आफ्टर टेकिंग हॉस्टल. पहले कुछ भी नहीं था, हम लोग आते थे कॉलेज और चले जाते थे इवनिंग में, कोई बातचीत किसी से कुछ नहीं. लेकिन हॉस्टल आने के बाद इतना बड़ा सोशल ग्रुप हो गया, सबसे बातचीत होने लगी, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी मैं, एक्टिविटीज़ वगैरह में सब कुछ. तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है मेरी, एज इन सेल्फ ग्रोथ हुई है. हॉस्टल में रहने से कई चीज़ें खुद से करना सीख लिया, हमेशा से घर पे सब कुछ करा करा मिलता था, यहाँ पे सब करना सीख लिया एक तरह से. और यार सुबह के 8 बजे से 6 बजे तक जो कॉलेज की वाइब होती है ना, ऐसे बच्चे जा रहे हैं, सब कुछ है, क्लासेस चल रही हैं, एकदम टेंस्ड सा माहौल, वही एकदम काम होता चला जाता है 6 से 11 बजे तक. जो अलग वाइब हो जाती है ना कॉलेज की, वो इवनिंग वाली वाइब, जब जाके बच्चे वेटिंग में बैठे होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं, और सब लोग कोई ना कोई तो ऐसे घूमते फिरते मिल ही जाते हैं. और स्पेशली हॉस्टल्स रात के टाइम, अगर यहाँ से मैं व्यू दिखाऊँ सब भूल जाए इंसान इतना ऊपर आके, इस 11th फ्लोर के व्यू के लिए अगर सीढ़ियाँ चढ़ के भी आना पड़े ना तो भी आ जाए. बॉयज़ हॉस्टल से हमारा DTU लेक दिखते हैं, बट इससे ज़्यादा वर्थ इट नहीं है. जितने भी लड़के यहाँ तक देख रहे हैं ना वीडियो गर्ल्स हॉस्टल की, सारे के सारे नीचे कमेंट में जाके गर्ल्स हॉस्टल OP लिख दो फटाफट से. चल मैं यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो को प्यारे से व्यू के साथ, और जल्दी मिलते हैं अक्षित जी अपनी नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे उसमें आप सभी से. ओके गाइस, बाय.